नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A30 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन है, ये काफ़ी पुराना फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, और अभी भी दोस्तों इस फ़ोन में टाइम पर हमें अपडेट मिलते रहते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह इस फ़ोन में अब भी एक नया अपडेट आ चुका है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा अपडेट है। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस अपडेट में दोस्तों हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है और ये आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों सब कुछ बताऊँगा उस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग के गैलेक्सी A30 जो कि दोस्तों सैमसंग का ए सीरीज है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं इस अपडेट की साइज़ की। तो दोस्तों जो अपडेट है ये सिर्फ 724 MB का है, तो ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। बट दोस्तों इसमें हमें क्या नया देखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पिच लेवल वो 1 अक्टूबर का कर दिया गया है। दोस्तों हमारे फ़ोन में सैमसंग की ए सीरीज होती है, उसमें काफ़ी डिवाइस ऐसे हैं जिसमें दोस्तों हमें टाइम पर अपडेट मिलते रहते हैं। तो इस फ़ोन में दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है, जिसमें आपका सिक्योरिटी पिच लेवल जो है दोस्तों 1 अक्टूबर का कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों इस फ़ोन में कुछ बक्स आ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो भी इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। अब आपका फ़ोन पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छा चलेगा, और जो हीटिंग इशू आ रहा था वो भी फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आपके पास A30 है तो आप फटाफट से इस अपडेट को कर लो, जिससे आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो सके और जो सिक्योरिटी लेवल है वो इंक्रीज हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस अपडेट में हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।